बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों और बच्चियों, क्या हाल चाल हैं आपके? तबीयत सेहत आपकी ठीक है? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश शाद और आबाद रखे। तो आज हम सुबह उठते ही पता नहीं चलता कि क्या पकाया जाए, ये सबसे बड़ा मसला है हम जैसी औरतों का, समझ नहीं आती कि क्या पकाया जाए। तो आज मैंने डिसाइड किया है बहुत सोच समझ के कि गोभी और गोश्त पकाते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो गोभी ले लिया है, प्याज 2 अदद प्याज भी हैं, टमाटर, वही घर के मसाले हैं, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया डाल के मैंने लहसुन और अदरक पीस लिया है, और ये कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। और ये डेढ़ 1 पाव गोश्त है, थोड़ा सा गोश्त है मुर्गी का। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें मैं प्याज और टमाटर मिक्स कर देती हूँ इसको अच्छी तरह फ्राई करके। इसका अच्छी तरीके से हो जाए तो फिर आगे चलेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छी तरह फ्राई करके फिर इसमें गोश्त को फ्राई कर लेंगे ताकि उसका पत्तापन खत्म हो जाए। गोश्त भी डाल देंगे ताकि ये साथ साथ फ्राई होता रहे और उसका पत्तापन खत्म हो जाए। फिर इसको फ्राई करके तो फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। इसमें मसाला भी हमारा अच्छे तरीके से बन रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें देखिए, मैंने गोभी धो के रख लिया और इसमें मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं। अब इसको अच्छा तरीके से भून के इसको मैं 10 मिनट के लिए दम लगा दूँगी ताकि ये गोभी जल जाए। ये देखिए इसमें आजकल बहुत ताज़ी मेथी आई हुई है, अगर वो भी आप डालना चाहें तो उससे भी बहुत ही अच्छा इसका एक अलग सा टेस्ट आता है। इसमें फ्राई के दौरान आप डाल देंगी तो बहुत अच्छी बन जाती है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। तो देखिए अब इसको मैं भून के इसको 10 मिनट के लिए दाम पर लगा दूँगी, अपने पानी में ही गल जाएगी। गोश्त बन के तैयार। ये देखिए, ये हमारे गोभी को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और ये अब गल भी चुकी है, इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। ये देखिए इस तरह से ये हो गया है, गोश्त भी गल गया है। ये देखिए आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर, तो रहना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। इसके साथ ही मैं आपको इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।